गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो बात हम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन एक फीचर मोदी कर ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है माई मोदी कर शॉप। यानी कि अब आपको ऑनलाइन बिजनेस करना और भी आसान हुआ। अब आप ऑनलाइन बिजनेस घर बैठ के कैसे कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा आप अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं, उसी को लेके एक मोदी किरण ने एक बहुत जबरदस्त ऑफर और बहुत जबरदस्त प्रमोशन को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम आज डिटेल करेंगे। जैसा आपके सामने स्लाइड पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू यूज माई मोदी किरण शॉप, कि मैं अपनी मोदी किरण शॉप को कैसे यूज कर सकता हूँ और उसके ऊपर मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ और मुझे इसको कैसे चलाना चाहिए। अब हर कंसल्टेंट को और भी आसान हुआ इस मोदी के बिजनेस को करना। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं, तो चलिए एक एक कदम करके हम इसके बारे में आगे जानते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ले चलता हूँ आज उस स्लाइड की तरफ जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे google.com जो हमारा क्रोम होता है, हम उसमें अभी जाएंगे और उसमें जाने के बाद हम लोग यहाँ पे वो सीखने वाले हैं जो चीजें आज हम जिन चीजों की वजह से आज हम लोग अपने इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो कैसे कैसे हम लोग इस ऐप को यूज कर सकते हैं उसके लिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो सर इसको माई जो मोदी केयर शॉप है उसको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले मोदी केयर साइट को ओपन करना होगा, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये गूगल क्रोम में आप जाके इसको खोलिए, modicare.com जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आपके सामने इस तरह का एक पिक्चर आएगा। और उसमें सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे लोग तो मोदी केयर में ज्वाइन है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर में ज्वाइन नहीं। तो सबसे पहले ये कि इसमें ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट टाइम में आपको बताना चाहूंगा कि मोदी केयर में ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ज्वाइन मोदी केयर, तो ज्वाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा और नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ डिटेल्स डालनी होती है। उस डिटेल्स को हम जैसे डालेंगे और उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हमें ये प्रोसेस समझ में आएगा। जैसे अभी आपके सामने ये स्लाइड खुल रहा है, उसमें हमें सबसे पहले ये इस तरह का पेज खुलेगा। जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि क्या आपकी एज 18 साल हो गई है, दूसरा कि मोदी केयर की कुछ कंडीशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे, स्पॉन्सर एमसी नंबर, यहाँ पे आप उसका एमसी नंबर डालेंगे जिसके नीचे या जिसकी टीम में आप ज्वाइन होना चाहते हैं या जिन्होंने आपको मोदी केयर के बारे में बताया। तो जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एमसी नंबर डाल देता हूँ और उस एमसी नंबर के नीचे हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक एमसी नंबर यहाँ पे डालता हूँ, मैंने यहाँ पे एक एमसी नंबर डाला, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जिसका भी एमसी नंबर होता है उसके नीचे ये खुल जाता है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक ऑप्शन आता है। मान लीजिए यहाँ फर्स्ट नेम आपका डालना है, फर्स्ट नेम मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, लास्ट नेम भी आप कुछ भी डाल सकते जो आपका लास्ट नेम। तो यहाँ पे ध्यान देना ये जरूरी है कि अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जिनके लास्ट नेम नहीं होता, तो हमें सिंगल जो फर्स्ट नेम होता है उसी से आईडी बनानी होती है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 जुलाई 2001। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे को एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट दोस्तों ये है कि जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल डालना होता है। अगर आपने फाइनल कर लिया है तो आप उसको क्लिक करके उसकी डिटेल्स डालें, अगर ये फाइनल नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, को एप्लीकेंट को आप इसी तरह छोड़ दें और यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के लिए फिर यहाँ पे कुछ हमारा एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स जानता है, जैसे सबसे पहले हाउस नंबर डालता है, हाउस नंबर क्या है आपका, हाउस नंबर डाल देते हैं आप। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जैसे आपका जो विलेज है वो विलेज आपने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने जो आपका नियर बाई जो है वार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे डालना है, वार्ड जो है आपका वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो वार्ड नंबर नहीं है तो आप कुछ भी वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपके नियर बाई जो भी लोकेशन है, जो नियर जो लैंडमार्क है उसको यहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद हमें यहाँ पे पिन कोड डालना होता है, पिन कोड डालने के बाद क्या होता है, पिन कोड डालने के बाद आपका जो है सिटी और जो स्टेट है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ, यहाँ पे मैंने ये नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद
अगर आपका ऑलरेडी मोदी केयर में नंबर रजिस्टर्ड होगा तो वो यहाँ पे नंबर लेगा नहीं, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है मोदी केयर में तो ये नंबर आपका यहाँ पे लेता है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना भी जरूरी होता है दोस्तों। ईमेल आईडी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारा मोदी केयर का जो है मोबाइल नंबर गुम हो जाता है जो हमने रजिस्टर्ड कराया है, तो उसके बाद फिर हम क्या कहाँ पे अपना जो है कि लॉग इन करेंगे, कैसे लॉग इन करेंगे, कहाँ पे हमें अपने डिटेल मिलेगा, तो वो हमारा जीमेल आईडी पे जाता है। इसलिए जीमेल आईडी बहुत जरूरी होता है डालना। बहुत सारे लोग हैं जो जीमेल आईडी नहीं डालते और उसके बाद डायरेक्ट लॉग इन कर देते हो, एमसी नंबर तैयार कर देते हैं, तो कई बार मोबाइल नंबर बंद या गुम हो जाता है या किसी कारण से सिम खराब हो जाता है, तो इसलिए हमें जीमेल डालना बहुत जरूरी। उसके बाद एक अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे डालना होता है, और उसके बाद ये यहाँ से आप इसे नेक्स्ट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे लगाने होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो हम इसे छोड़ सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे केवाईसी के लिए हमें यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे आपके सामने कुछ डालता हूँ, मैंने यहाँ पे एक आधार कार्ड नंबर डाला, तो इस तरह से ये अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो लेगा नहीं, उसके बाद इस तरह से आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ले लिया। फिर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यानी कि पहला जो यहाँ पे पेज है, पहले में हमें फ्रंट साइड से हमें अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और जैसे हम अपने डेस्कटॉप में या गैलरी में जाएंगे वहां से हम यहाँ पे ये अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इधर से एक उठाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे फ्रंट इसका किया, और उसके बाद फिर मुझे बैक साइड से करना है। बैक साइड का मैंने किया, ये देखिए बैक साइड से मैंने यहाँ पे किया। अब ये अपलोड कर, मैंने यहाँ पे केवाईसी अपलोड किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करूंगा। जैसे नेक्स्ट करूंगा दोस्तों, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा जिस कस्टमर का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका यहाँ पे बैंक में जो नाम है अकाउंट के नंबर वो डालना है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, और अकाउंट नंबर यहाँ पे हम जैसे डालेंगे उसके बाद हमें इसी तरह यहाँ पे पासबुक को अपडेट करना है, पासबुक को या चेकबुक को उसका फोटो अपडेट करना है, और ये जो रजिस्टर्ड के क्लिक दिख रहा है यहाँ पे, रजिस्टर्ड पे हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया। अब उसका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड उसके नंबर पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हुआ उस पे चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको अपने एमजी नंबर को तैयार कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा मेन चीज है कि हमें अपनी जो शॉप को कैसे चालू करें। अब मान लीजिए यह रजिस्टर्ड करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, अब हमारे पास एक आईडी और एक पासवर्ड हो जाएगा। आईडी पासवर्ड को हमें फिर क्या कि हम लॉगिन पे जाना है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन एज कंसल्टेंट, इस यहाँ पे इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें आपको एक लॉगिन जो आपका एमसीए नंबर है उसको लॉगिन करना होगा। उसके बाद में आपको उसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको आगे जो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा आपको। जैसे पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद यहाँ पे एक आंसर देना होता है कि 1 + 5 कितना हुआ, तो ये आप जैसे डालेंगे, उसके बाद आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुल के आपके सामने आएगा। अभी ये यहाँ पे खुल रहा है ये पेज, अभी ये पेज आपका यहाँ पे ओपन हो गया। अब जब पेज ओपन हो गया तो मतलब जो आपका एमसीए नंबर रजिस्टर्ड हुआ था उससे आपने अब इसको खोल दिया। तो यहाँ पे ये इस तरह की प्रमोशन चलती रहती है, तो हमें इसको यहाँ से साइड हटाना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ 3 लाइन जो है इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आया माई मोदी केयर शॉप, ये माई मोदी केयर शॉप जो है इस माई मोदी केयर शॉप में हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जब हम माई मोदी केयर शॉप पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का एक पेज खुलेगा, ये देखिए आपके सामने ये इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसके नाम से रमेश चंद वर्मा, रमेश चंद मतलब किस नाम से आप शॉप लेना चाहते हैं। तो आपने मान लीजिए रमेश चंद डाल दिया, तो यहाँ पे आप अपना इमेज, यहाँ पे अपनी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो के लिए आपको इस पे सूज फाइल पे यानी कि गैलरी से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से भी अपने इसको नंबर 1 नंबर 2 यानी कि आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। जैसे मुझे इसमें दूसरा है जो वो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना होगा। जैसे रमेश के नाम से मैंने दुकान बनाया अभी, तो मैंने रमेश डाल दिया। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है मोदी केयर में, मोदी केयर में मान लें कितने लास्ट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जितना भी है, या मोदी केयर कब से चल रहा है वो भी डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 4 साल। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होती है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, तो इसको आप फिर जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे आपने इसको सेव किया,
अब ये आपका यहाँ पे ये आपकी जो है मोदी केयर शॉप तैयार हो गई। अब आपका जो मोदी केयर है जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया। अब इसको यहाँ पे राइट साइड में शेयर शॉप लिंक यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और डिस्प्ले आपके सामने खुलेगा जो ये बोलता है कि जिसको भी आपको इस लिंक को शेयर करना है उसका नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए मैं एक नंबर यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे किस नंबर पे इसको शेयर करता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है डिस्काउंट आप कितना देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6% देना चाहता हूँ या मैं 10% देना चाहता हूँ। तो अब मैं जैसे इसको शेयर करूंगा यहाँ से, तो दोस्तों ये खुलेगा अभी आपका व्हाट्सएप पे जाएगा। अब ये व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप से आपका व्हाट्सएप खुलेगा, और व्हाट्सएप में जैसे आप जाएंगे अभी ये खुल रहा है, ये देखिए आपका ये आ गया। अब इसमें क्या शेयर करने के लिए यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद अब ये वहां पे आपके व्हाट्सएप में चला गया। अब व्हाट्सएप ये आपका ऐप खुला। अब यहाँ पे देखिए आप